एक ऐसी खबर जो हम सब के लिए बहुत बड़ी खबर है। क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई निवेश करने की सोच रहा है तो उसको यह खबर जरूर देखनी चाहिए। बड़ी खबर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज FTX रातों रात तबाह होने के बाद भारत सरकार अलर्ट हो गई है। क्रिप्टो करेंसी पर भारत सरकार कसेगी और शिकंजा, ये सूत्र कह रहे हैं। क्रिप्टो को अवैध बनाए रखने का फैसला संभव है। फरवरी के आम बजट में रुख सरकार साफ करेगी। इसको लेकर इंटरनेशनल मानकों को ध्यान में रखकर तैयार की जाएगी क्रिप्टो नीति, ये सूत्र कह रहे हैं। आय पर टैक्स लगाने का फैसला भी ले सकती है सरकार। अभी ट्रांजैक्शन पर ही ऑलरेडी टैक्स लगाया हुआ है सरकार ने। और क्रिप्टो मार्केट पिछले कुछ महीनों से लगातार गिरावट दर्ज कर रही है। क्रिप्टो मार्केट में लगातार जो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, उनमें बहुत ज्यादा करेक्शन आया है। इसी से आप समझ सकते हैं क्रिप्टो का क्या हाल है। बिटकॉइन आप देखिए 65.45, यानी आप अगर 100 रुपए इसमें लगाया होगा तो करीब 65 रुपए डूब चुके हैं। जनवरी 2022 से यह आंकड़ा है। आप समझिए कितनी ज्यादा गिरावट आ चुकी है क्रिप्टो में। फिर इथेरियम करीब 70% जनवरी 2022 से करीब 70% गिर चुकी है, यानी अगर 100 रुपए जनवरी में लगाए होंगे तो 30 रुपए बचे होंगे। यह हाल है क्रिप्टो मार्केट का और यह और ज्यादा गिर सकता है। एक और XRP जनवरी 2022 से अब तक 55% के आसपास ये क्रिप्टो करेंसी गिर चुकी है। सवाल यह है क्रिप्टो करेंसी में सेफ है क्या निवेश। कार्डानो 74%, यानी ये 3/4 डूब चुका है इसमें पैसा जनवरी 2022 से। ये क्रिप्टो करेंसी कितनी सेफ है, ये बहुत बड़ा सवाल हो चुका है सामने, बहुत बड़ा सवाल है। आइए इससे जुड़ी कुछ और जानकारी आपको देते हैं। भारत दुनिया भर में क्रिप्टो पर पाबंदी का एजेंडा पेश कर सकता है, यह जानकारी सामने आ रही है। फरवरी में जो बजट आता है, आम बजट, उसमें सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, और यह नेगेटिव ही होगा। क्रिप्टो को लेकर भारत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना सकता है जो नजीर बने पूरी दुनिया के लिए। क्रिप्टो को अवैध बनाए रखने का फैसला कर सकती है भारत सरकार। क्रिप्टो से मिलने वाली आय पर टैक्स लगाने का फैसला भी संभव है। देखिए हमारे संवाददाता पीयूष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। पीयूष बताइए, भारत सरकार के अंदर क्रिप्टो को लेकर क्या मंथन चल रहा है? जी बिल्कुल गौरव, देखिए सबसे अहम बात यह है कि FTX के मामले में जो घटनाक्रम सामने आया है उसके बाद सरकार एक्टिव हो गई है। सबसे अहम बात यह है कि जो आने वाला बजट है उसमें सरकार दो अहम बदलाव कर सकती है। सबसे पहली बात यह है कि आय पर, जो क्रिप्टो से आय होगी उससे, उस पर टैक्स लगाया जाए, और उसके अलावा इसमें जुर्माने का जो प्रावधान है वो किया जाए यदि कोई बिना सरकार की जानकारी के इसमें निवेश कर रहा हो। चूंकि इसमें निवेश को लेकर के सरकार बहुत मंथन कर चुकी है, 2017 में सबसे पहले जब अरुण जेटली वित्त मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने बजट में कहा था कि ये वैध मुद्रा नहीं है। उसके बाद सरकार इस मामले में कई अहम कदम उठा चुकी है। मतलब सबसे अहम कदम लास्ट जो बजट था उसमें उठाया गया था। जी गौरव, खबर है बजट में कुछ और बड़ा वार हो सकता है, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि इसमें जुर्माने का प्रावधान भी सरकार ला सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।